ये बहुत उत्साहजनक हमें रुझान देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे तो काफी बच्चे, मतलब अलग अलग विद्यालय से बच्चे जो हैं ग्रुप बनाकर स्कूल अपना इनिशिएटिव लेकर अपने बसों से यहाँ बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है वो 14 से 18 फरवरी तक चलने वाला है। बाड़मेर जैसी रिमोट लोकेशन पर भी किताबों को लेकर लोगों में उत्साह आ पाए, किताबों के इर्द गिर्द वो कैसे सवाल संवाद कर सकते हैं वो यहाँ किया जाए। तो यहाँ पुस्तक मेले के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषयों के कॉर्नर हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो भाषा में लेखन का एक कॉर्नर आपको देखने को मिल रहा होगा, कविता कहानियों का एक कॉर्नर आपको देखने को मिल रहा होगा, विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग जो क्लास 6 से 10वीं क्लास तक के होते हैं वो एक्सपेरिमेंट यहाँ देख रहे होंगे। और इसके साथ साथ बड़ी चीज जो है वो ये है कि संवैधानिक मूल्य जिनकी हम बात करते हैं, उन संवैधानिक मूल्यों को किस तरीके से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो बड़ी पोस्टर एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है जिसमें विवेकानंद जी के पोस्टर यहाँ मिलेंगे, गांधी जी के पोस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और शाम के समय पर 5 से 7 बजे तक अलग अलग बाड़मेर की हस्तियों के माध्यम से जो साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, उनके माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो पिछले दिन की देखें शुरुआत जब की थी तो 1000 से ज्यादा विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय के लोग उसको विजिट करने आए थे और आज भी वैसा ही रुझान देखने को मिल रहा है। आज तो संख्या और भी ज्यादा इसमें पहुंच रही है। तो मकसद, बड़ा मकसद यही था कि कैसे समुदाय के लोग, शिक्षक साथी, युवा, बच्चे किताबों से इंटरेक्ट हो पाए, किताबों में अपनी रुचि लगा पाए। हम देखते हैं कि आज मोबाइल में हर कोई डूबा हुआ है, परंतु मोबाइल को छोड़कर कैसे वो अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है, किताबें कितनी फ्रूटफुल होती हैं, इसका एक माहौल बनाने का काम हमारे यहाँ पर कर रहे हैं जो 14 से 18 तारीख तक लगातार चलेगा। हमने ये भी देखा है जैसे राजस्थान की बात हो या गुजरात की बात हो, जो लुप्त होती कला है उसको भी बच्चे मौके दे जीवित कर रहे हैं, वापस सीख रहे हैं, जैसे मांडना कला हो हाँ गई, लिप आर्ट हो गया। हाँ तो ये एक बड़ी चीज है कि राजस्थान अपने आप में भी लोक कलाओं में काफी समृद्ध रहा है। लोक कलाओं के संदर्भ में जैसे आपने मांडने का उदाहरण लिया, चित्रकलाओं के उदाहरण ले सकते हैं, या पोट्री जो है उसके बारे में, कठपुतली कला जो है वो राजस्थान की एक फेमस कला है, लोक संगीत के जो गीत हैं जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं उन सबको यहाँ स्थान दिया गया है। और स्थान देने के साथ साथ जो उनके जानकार हैं वो लोग भी आकर अपनी कला का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं। बच्चे तो वो कर ही रहे हैं, कैसे वो बच्चों में वो कला जीवित रह सके, कैसे हम हमारी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, वो चीजें इसके साथ साथ हमने शामिल की। कोशिश यही रही है कि जो यहाँ की लोकल कलाएं हैं वो कलाएं लोगों तक जा पाएं और वो केवल अतीत का हिस्सा ना होकर वर्तमान में भी उनको जिया जा सके।